नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छपरा हिंसा मामले से जुड़ी हुई खबर है। रोहिणी के साथ घूम रहे बॉडीगार्ड सस्पेंड हो गए हैं। कल ही राबड़ी आवास पर पहुंची थी एसआईटी, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रोहिणी के साथ घूम रहे थे जो कल ही राबड़ी देवी आवास पर एसआईटी पहुंची थी। और अब जो है छपरा हिंसा मामले की ये पूरी खबर सामने आ रही है। रोहिणी के साथ घूम रहे बॉडीगार्ड सस्पेंड हुए हैं। कल ही राबड़ी आवास पर पहुंची थी एसआईटी, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जो बॉडीगार्ड रोहिणी के साथ दिख रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और कल ही आपको बता दें, ये खबर हमने आपको बताई थी कि छपरा हिंसा मामले में कल ही एसआईटी की जो टीम थी वो वहां पहुंची थी, यानी राबड़ी देवी के आवास में पहुंची थी। और आज जो है ये खबर सामने आ रही है कि रोहिणी के साथ जो बॉडीगार्ड घूम रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज में छठे चरण का सुरक्षित लोकसभा का चुनाव 25 मई को होना है। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। गोपालगंज के थावे स्थित डायट सेंटर में विधानसभा वार ईवीएम का डिस्पैच सेंटर बनाया गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए 243 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 4 मजिस्ट्रेट के ऊपर एक जोनल अधिकारी तैनात किया गया है। गोपालगंज में 20 लाख मतदाता कल अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं। वहीं मतदान के दौरान बाधा पहुंचने पर, आपको बता दें कि बाधा पहुंचाने वालों पर निगरानी को लेकर के 7 ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। तो गोपालगंज की से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कल मतदान यहां पर भी होना है, यानी मतों का प्रयोग करने लोग यहां पर पहुंचेंगे। तकरीबन 20 लाख मतदाता यहां बताए जा रहे हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरे इंतजाम किए गए हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कहा जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से भी जो है मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। पोलिंग पार्टियों को बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार तैयारियां एक तरीके से प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जब पोलिंग पार्टियों पर जो है पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया है। दावा किया जा रहा है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और ऐसे में ये पोलिंग पार्टियों का पोलिंग बूथ की तरफ रवाना होने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ड्रोन कैमरे से नजर बनाए रखने की बात भी की जा रही है। गोपालगंज मतदान केंद्र जो है वहां पर कहा जा रहा है कि मतदान केंद्रों में ड्रोन के माध्यम से पूरी तरीके से नजर बनाई जाएगी। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते हुए जो मतदान केंद्र है वहां पर निश्चित तौर पर छांव का इंतजाम भी किया जाएगा, टेंट का इंतजाम किया जाएगा और पीने के पानी की सुविधा भी मतदाताओं को दी जाएगी। बैकुंठपुर में अश्वारोही दल ने फ्लैग मार्च किया है और आज जादवपुर दियारा में फ्लैग मार्च किया गया अश्वारोही दल द्वारा। लाल कार्ड दिया गया है वैसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो चुनाव में बाधा पहुंचा सकते हैं, उनको लाल कार्ड दिया गया है, उनको काउंट डाउन किया गया है और सीसीए टीम की कार्रवाई की गई है। कितने जगहों पर सीमा सील रहेगी सर? टोटल 33 जगहों पर। नदी गश्ती का भी हम लोग रखे हैं। एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है, वो नदी गश्ती भी करेगा। उनको बूथ चिन्हित करके दे दिया गया। इन बूथों पर जो दियारा क्षेत्र में है उस पर नदी गश्ती करते रहे, उसका भी सुरक्षा करेंगे। मतदान केंद्र जो है हम लोग वहाँ पे गोपालगंज ब्लॉक में बनाए हैं। ऐसे प्रत्येक विधानसभा में एक जो है विकलांग दिव्यांग के लिए बनाए, एक महिला के लिए बनाए और एक यंग के लिए जो है यहाँ पे गोपालगंज में बनाए। धनबाद और गिरिडीह लोकसभा में कल मतदान है, ऐसे में मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया है। बोकारो डीसी विजया यादव जो है खुद मतदान कर्मियों को तत्परता से मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि डीसी ने इस मामले में बताया है कि पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान की तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सर लोग इधर है, सब लोगों का पार्टी मिलान हो चुका है, लोगों ने मशीन्स लिया है, अभी वाहन कोषांग में जाके उनको गाड़ी में बिठाना हमारी प्रायोरिटी है। ये गोमिया विधानसभा की पोलिंग पार्टी है और इनको जरा दूर जाना है, इसलिए इनका गाड़ी में बिठा के रवाना करना हम लोगों की प्रायोरिटी है। तो सभी लोग काफी उत्साह में है और सबका सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। मीडिया को भी देखिए ना, वो भी सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं। वो एक तो P+1 में रहेंगे, लंबा जाना है, फिर खाने पीने की तो व्यवस्था हमने की ही है। थोड़ा सा एक मॉरल बूस्टिंग का मेजर करते हुए एक वेलफेयर मेजर के तहत हमने कुछ कूल ड्रिंक्स है, छाछ है, लस्सी है, फ्रूटी है, पानी का बॉटल है, सत्तू ड्राई राशन है, इसका सबका हमने व्यवस्था किया हुआ है। सभी जो पोलिंग पार्टी है
अपने जो यहाँ पर टैगिंग हो रहा है, टैगिंग के बाद सभी अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में जो है आरोपी लगे हुए हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और इनका सभी लोग यहाँ से जाएंगे और अपने मतदान केंद्र पर आज पहुँच जाएं। जो पुलिस पदाधिकारी है, कहीं फोर्स की कमी नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट थे उससे ज़्यादा ही वहाँ पर दिया गया है। कहाँ जा रहे हैं? कदुआटा हम लोग घूमिया। बताइए लोकतंत्र के महापर्व में इलेक्शन कराना कैसा लग रहा है? चलिए तो अपना अनुभव अच्छा है कि दूसरा बार फिर हम लोग मौका मिल रहा है, जा रहे हैं घूमिया हम लोग, और हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा से हो, शांतिपूर्ण हो या मत ये। और लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग शामिल हो रहे हैं, बहुत खुशी है ना? जी एकदम, बहुत खुश हैं हम लोग कि लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग शामिल हो रहे हैं। और गौतम दत्ता, जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां कैसी है? तैयारियां तो बहुत अच्छी है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष रंजन दास है। मैं हाँ हम इलेक्शन ड्यूटी में हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में हमें अपॉइंट किया गया है, और मेरा क्षेत्र कसमार में है और ये नक्सल प्रभावित इलाका है। और देखने के चाहे तो हम लोग को इस बार ये पहला इलेक्शन ड्यूटी है, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा तरीके से हम लोग को ट्रेनिंग दिया है। तीन तीन बार हमारा ट्रेनिंग हो चुका है और हम लोग उसके प्रस्थान कर रहे हैं, और वहाँ पे आज रात भर का उसका निरीक्षण करेंगे और कल को मतदान हम लोग उसके सुचारू रूप से उसको पालन किया जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही एक अच्छा से फील हो रहा है कि देश के सेवा में हम लोग कुछ योगदान कर पा रहे हैं, लेकिन ये निमित्त मात्र है। और हम चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हो कि सारे के सारे संपन्न हो और अच्छे तरीके से हो, और यहाँ के इलाका को अच्छे तरीके से हम लोग इलेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। और जहानाबाद जिले के इंदौर स्टेडियम में जिला प्रशासन की तरफ से स्वाइप मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मतदाता जागरूकता अभियान में मुख्य लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची और उनका स्वागत जिले के कई पदाधिकारियों ने किया। इस मौके पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र में मतदान करें। और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारी क्या बन गई है, लेकिन ये मेरे लिए नया था। जब मैं स्टेट की स्वीप आइकॉन बनी और मुझे पता चला मुझे अलग अलग जिलों में जाना है, और मुझे नहीं मालूम था मुझे हर जिले में लोग पहचानते हैं, जानते हैं। मैं काफ़ी परेशान थी, सोच रही थी कि कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आकर के जहानाबाद पहली बार आई और लोगों में जो उत्साह है, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, लोगों का इतना सारा प्यार। और नवादा में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रधान अध्यापक पर आरोप है कि उसने 22 मई को अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। जब इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो परिजनों समेत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आपको बता दें कि आरोपी 24 मई को पकड़ में आया, जिसके बाद से उसकी जमकर पिटाई हुई, साथ ही उसके बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। तो वहीं मामले में थाना अध्यक्ष एसआई रूपा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि स्कूल के प्रधान अध्यापक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नवादा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा एक नाबालिग से छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने के बाद से आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसकी पिटाई भी जो है अभिभावकों ने की, स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई की। हालांकि 22 तारीख की यह घटना है, 24 तारीख को उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से हड़कंप जरूर पूरे इलाके में मच गया। अब बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है, लेकिन नाबालिग से छेड़छाड़ का यह मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। नवादा की ये तस्वीरें हैं और नवादा से ही ये खबर आपको बता रहे हैं। और भागलपुर पुलिस ने जिला नवगछिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और कारतूस के साथ कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवगछिया के एसपी पूरन झा ने दी है। वहीं सूचना मिली कि नवगछिया थाना अंतर्गत बंजारा होटल के पास से हॉल में ही जेल से निकला कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। सूचना के सत्यापन के बाद से कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी को यानी अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो भागलपुर से एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध हालत में वो था,
और अवैध हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसकी तलाश जो थी पुलिस को पहले से ही थी और दिलखुश इसका नाम बताया जा रहा है। भागलपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, बड़ी सफलता भी मानी जा रही है पुलिस की। ये कुख्यात अपराधी दिलखुश को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों के साथ ही इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी जो है भागलपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा दी है और बताया है कि धारदार हथियारों के साथ यानी अवैध हथियारों के साथ इसे पकड़ा गया है। और भागलपुर नवगछिया में शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय नासी टोला मदरौनी में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में रसोई सहित आपको बता दें कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल अन्य शिक्षकों ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया। स्थानीय सूत्रों की माने तो स्कूल में खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज हो गई थी, जिसके बाद से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो भागलपुर के स्कूल का ये हादसा सामने आया है जहां पर खाना बनाने के दौरान सूत्र बता रहे हैं कि गैस लीकेज हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ है इस सिलेंडर ब्लास्ट में, लेकिन खाना बनाने समेत जो खाना बनाते थे उनके समेत 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है इसलिए ब्लर करके आपको दिखाई जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट में 3 अन्य लोग यानी 4 लोग कुल घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ जहां पर खाना बनाने वाले रसोईया समेत 3 से 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अस्पताल में चल रहा है। और अब खबर बेतिया से है जहां नगर थाना पुलिस ने बिहार सैन्य बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि यह फ्लैग मार्च प्रभारी थानाध्यक्ष ऋतुराज जायसवाल, एसआई आरसीपी सिंह, पीएसआई रोशन कुमार के नेतृत्व में बिहार सैन्य बलों के साथ निकाला गया। फ्लैग मार्च नगर के विभिन्न इलाकों में मार्च करते हुए निर्धारित स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना था। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के लोगों ने बिजली पानी नहीं तो 25 मई को मतदान नहीं करने की चेतावनी दी थी। लोगों ने समाधान नहीं करने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि चिराचास में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं होने के कारण लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर के लोगों ने इसका विरोध किया और लगभग 600 वोटरों ने वोट बहिष्कार करने की बात कही। साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो सब लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाया है कि जब सब लोगों ने ट्रांसफार्मर बदलने की बात की तो अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि वो खुद ही ट्रांसफार्मर खरीद कर लगवा लें, जिस पर लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वोट बहिष्कार का निर्णय हम लोगों ने इस कारण से लिया, यहाँ विगत 3 दिनों से हम लोग बिना बिजली बिना पानी के यहाँ रह रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में कोई प्रशासन को सोचने को भी तैयार नहीं है कि यहाँ ये लोग कैसे जिंदा हैं। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया हो रही है, उन्हें दिखलाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। कैसे दिखलाएं, कहाँ दिखलाएं, कि जाएं कैसे? अभी तक 3 दिन से कोई कार्रवाई, 3 दिनों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक शाम तक हम लोगों ने समय दिया है कि अगर कोई व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं की गई तो हम लोग इलेक्शन में वोट देने से कब भाई। पिछले 3 दिनों से हम लोग को न बिजली मिल रही है न पानी, बिजली के कारण पानी भी नहीं मिल रहा, बच्चे बीमार यहाँ पर रहे हैं। हम लोग सब जगह बात किए, बिजली डिपार्टमेंट से भी बात किए, बिजली डिपार्टमेंट बोलता ट्रांसफार्मर खरीद लीजिए। हम लोग यहाँ से कॉलोनी से 5 लाख महीना बिजली बिल देते हैं, उसके बाद इस तरह से डिपार्टमेंट के तरफ से जवाब मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग पूरा कॉलोनी वासी सोचे हैं कि वोट का बहिष्कार करेंगे और सब लोग एकदम धरना पर यहाँ बैठेंगे अगर आगे हम लोग का व्यवस्था दुरुस्त नहीं किया गया।
और कटिहार में युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर शव को जलाने का प्रयास किया। पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो युवक ने प्रेमिका को अपनी पत्नी बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपको बता दें कि कटिहार सदर SDPO अभिजीत कुमार ने भी बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग तकनीकी साक्ष्य के पे काम कर रहे हैं। अभियुक्त चिन्हित उसी दिन हो गया था और हम लोगों की टेक्निकल टीम काम कर रही है, जल्दी हम लोग उसमें गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। जी, ये बातें मेरे सामने आई हैं, इसीलिए मैंने बताया कि तकनीकी साक्ष्य पे हम लोग बहुत हमारी पूरी टेक्निकल टीम काम कर रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और मुंगेर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित के पिता ने बताया कि युवक ने नशे में झगड़ा किया और रात में ही घर से निकल गया था। घटना के बाद से परिवार और आसपास के लोग भी अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि तो वहीं पुलिस मामले की अभी फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। नंद किशोर पहुंचा और बच्चू पहुंचा सगिन बड़ी मिला के द्वारा निवास में सूचित किया गया था कि इनकी बेटा भवेश कुमार पहुंचा को ग्राम बरदा के में किसी के द्वारा अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करवाई हम लोग ने तत्क्षण घटनास्थल के निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनके जख्मी को इलाज के क्रम में हम लोगों ने उसका देख रेख किया तो अभी वो वर्तमान में इलाजरत है और उनकी स्थिति सुधरने के लिए डॉक्टरों से हम लोग बराबर संपर्क में है कि क्या स्थिति है। और बिहार के गया में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने बालू कारोबारी से 50,000 रुपये महीने की रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर ट्रैक्टर चालक पर गोलियां बरसा दी। हालांकि बाल ट्रैक्टर चालक की जान बच गई और जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि मामला गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गाड़ी उधर से ड्राइवर लेके आ रहा था, मेरे घर पे जा रहा था, मेरा भाई का गाड़ी है। उधर से ये लोग चार पांच लड़का ग्रुप आया, सब हाथ में सामान लिए हुआ था। राजू पकेट मार का लड़का है, हैदर मियां नाम है उसका, उसके साथ चार लड़का है, उसको हम नाम नहीं जानते हैं मगर पहचानते हैं सबको। अब दो गोली चलाया, एक गोली पहले चलाया तो ये लोग बच गया, दोबारा गोली चलाया तो मेरे गाड़ी का साइलेंसर में लग गया और वो लोग जब पुलिस आया तो पुलिस को देख के वो लोग भाग गया। गाड़ी जा रहे थे लेके, क्या घटना हुआ? गाड़ी लेके जा रहे थे, पीछे से गोली चलाया, पहले रोकाने के पहले कष्ट किया, नहीं गाड़ी रोके तो पीछे से चला दिया गोली। कौन लोग थे? कौन लोग थे? हम चल रहे थोड़ी हजर मिया था। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर शामिल हुए। महाबोधि मंदिर के प्रांगण में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे राज्यपाल ने मोमबत्ती जलाकर बुद्ध जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही आपको बता दें कि उनके द्वारा प्रज्ञा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर विश्व के कई देशों के धर्मगुरु, भिक्षुक व श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं हजारों की संख्या में शामिल बुद्ध धर्मावलंबियों द्वारा बोधगया में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वर्तमान समय में भगवान बुद्ध के विचारों को प्रचारित करने की जरूरत है। आज दुनिया के कई देशों में युद्ध हो रहा है, ऐसे में बुद्ध के विचारों को आत्मसात करके ही शांति लाई जा सकती है। लगता है इस विषय को हम सबको ध्यान में रखना है, हमारे देश में भी हम सबको इसी को इसी विचार का प्रसारण करना है, आगे लेकर जाना है कि हम सब मिलकर, कोई हिंदू है, कोई सनातनी है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई जैन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी एक ही विचार के,
एक ही इतिहास के, एक ही परंपरा के और एक ही संस्कृति के प्रवाहक है, उसको लेकर जाने वाले हैं। और हजारीबाग जिले के केरेडारी एनटीपीसी विस्थापन पुनर्वास के तहत एक महिला मीना देवी को मुआवजा मांगना जानलेवा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि एक गरीब महिला को एनटीपीसी के कर्मियों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर आरोपों पर लगाया गया। दरअसल मामला हजारीबाग जिले के प्रखंड केरेडारी के पांडू गांव का है, जहां मारपीट होने से बेहोश पड़ी महिला का महिला के घर को तोड़ दिया गया और अगर कंपनी के खिलाफ कोई बोलता है तो कंपनी रंगदारी मांगने के आरोप में झूठा मुकदमा भी दर्ज कर देती है, जिसका जीता जागता प्रमाण वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एनटीपीसी केरेडारी एजीएम एसपी गुप्ता का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। और मुजफ्फरपुर मुसहरी प्रखंड स्थित नरौली पंचायत के एक विद्यालय में बच्चों की पिटाई से आक्रोशित बच्चों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही डीपीओ का घेराव किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद से हंगामे को शांत किया। बच्चों ने बताया कि टिफिन के समय बच्चों को एक आम तोड़ने के कारण शिक्षक ने बेरहमी से पीटा, जिससे कि स्कूली बच्चों ने हंगामा मचा दिया। एक बच्चे के ऊपर जो आम के पेड़ पर लटके हुआ था, ऊपर दिखाइए आप कैमरा करके, कैमरा ऊपर करिए दिखाइए, ऊपर जो मतलब बिजली का जो 11,000 तार है, तो वहां पर क्लास के समय में कुछ बच्चे जो 10-20 बच्चे जाकर के आम के पेड़ पर बैठे हुए थे और लंच था उस समय, आम के बेचारे हुए थे, किसी टीचर ने आकर के इतना बुरी तरीके से उसको मारा है। इधर आओ, सट खोलो, सट खोल के दिखाइए, पूरा पीठ पे इसको दाग है। और जब इस बच्चे का दाग वाला चीजें जब हम स्कूल में पता करने आए कि सर इस बच्चे को क्यों मारा गया और हमको इस बात से आपत्ति नहीं था, तब हमने स्कूल में देखा कि पूरे पूरे दिन 1-2 घंटे पढ़ाई हो रहा है। और हवेली खड़गपुर पुलिस में रतैढ़ा पंचायत भवन के समीप से बाइक सवार दो युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हवेली खड़गपुर पुलिस गश्ती टीम मुजफ्फरगंज की ओर जा रही थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग मुजफ्फरगंज से हथियार के साथ हवेली खड़गपुर की ओर आ रहे हैं। मामले में मधुबन दरियापुर गांव निवासी खिरोबिंद पिता प्रकाश बिंद, अमृत उर्फ बीरबल पिता भोला पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियार के साथ मुजफ्फरगंज से खड़गपुर की ओर आ रहे हैं और मेला में उनका किसी हथियार का खरीद बिक्री का जैसे कुछ ऐसी सूचना आई थी। उसी सूचना के सत्यापन के लिए यहाँ से थाना गश्ती के दल के साथ जब उन्हें मूव किए तो पुलिस की गाड़ी देखकर जो दो बाइक सवार व्यक्ति थे वो भागने लगे। भागने क्रम में फिर उसको पकड़ा गया। तो हर खबर बिहार झारखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।